पे अगर मैं ध्यान दूंगी ना तो मेरा घर परिवार सब ब्लॉगिंग सब बर्बाद हो जाएगा। तो कल ना कोई कमेंट करके ये भी बोल रहा था कि आपकी बेटी तो काली है करके। नहीं, 6000 रुपए की आती हूँ। मेरी वाइफ पहली बार भागना पड़ रहा है और हम और डर जाएंगे इसीलिए घर। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, मैं हूं अंकित और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से आए कुछ लेटेस्ट अपडेट को बारे में। दोस्तों बात करते हैं आज के दिन की पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है हमारे प्रियंका योगी तिवारी को लेकर, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने यूट्यूब चैनल पे एक Q&A वीडियो बताया था जिसके दौरान उनसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जब आपको हेट्स कमेंट आते हैं आप उनका रिप्लाई कैसे करते हैं। तो उन्होंने खुल के उस वीडियो में बताया कि उन को काफ़ी सारा हेट कमेंट आते हैं, लोग बहुत सारा गंदे गंदे कमेंट उनके करते हैं एंड लोग ये तब कहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आपके घर में, आप अपनी पर्सनल चीज़ें बताएं एंड क्या क्या आपके घर में चल रहा है। तो उन्होंने खुल के अपने वीडियो में बताया कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें तो वीडियो में नहीं दिखा सकते एंड हर किसी के घर में झगड़े होते पर हम उसे सोशल मीडिया पर तो नहीं दिखा सकते एंड लोग बहुत ही बुरे कमेंट करते हैं। उन्होंने सब चीज़ें अपनी वीडियो में बताई तो उनकी वीडियो के कुछ क्लिप हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ध्यान दूंगी ना तो मेरा घर परिवार सब ब्लॉगिंग सब बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ना मतलब पर्सनल चीजों को जानना चाहते हैं कि इनके घर परिवार में क्या चल रहा होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली पहाड़ी बाइकर आलोक राणा को लेकर, जैसे कि रिसेंट वीडियो में बताया था मैंने कि पहाड़ी बाइकर आलोक राणा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बिसुड़ी ताल के लिए निकल चुके हैं एंड उन्होंने साथ ही साथ मैंने उनका जो पहला एपिसोड था जो उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था उसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी। पहाड़ी बाइकर आलोक राणा वो यहाँ पे बिसुड़ी ताल पहुंच चुके, उसके बाद उन्होंने वहां का जो व्यू है वो बताया। साथ ही साथ पहाड़ी बाइकर आलोक राणा और उनके दोस्तों ने छेत्रपाल महाराज की वहां पे पूजा भी की, क्योंकि माना जाता है कि जो लोग वहां जाते हैं तो वहां छेत्रपाल महाराज की पूजा करते हैं एंड दर्शन लेते हैं। तो उन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ वहां पूजा की तो उनकी वीडियो की कुछ क्लिपे है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भोग लगाएंगे उसका। चलो जी, एक बार भगवान जी का पूजन अर्चन कर देते हैं। हमने एक रोड बनाया है, या तो एक बनाना था या तीन या पांच, बेजोड़ बनाते हैं ऐसी जगहों पे। तो बात करते अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है पूनम बिष्ट को लेकर, जिसमें कि रिसेंट ब्लॉग में उन्होंने बताया कि किसी ने उनकी रिसेंट वीडियो में किसी पर्सन ने उन्हें कमेंट किया था कि आपकी बेटी काली है एंड आपकी बेटी का जो फेस है वो आपसे मैच नहीं करता, आप तो गोरे हो, आपकी बेटी तो काली है, ऐसे कुछ कमेंट किए थे। तो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि हमारी बेटी काली है गोरी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसे अच्छा मानते हैं, वो हमारी बेटी है। साथ ही साथ उन्होंने वीडियो में कहा कि लोगों को कितनी गंदी सोच है, लोग यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे कलर से कंपेरिजन करते हैं कि कोरा है काला है, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। तो उनकी वीडियो के कुछ क्लिपे हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कल ना कोई कमेंट करके ये भी बोल रहा था कि आपकी बेटी तो काली है करके, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी बेटी काली हो गोरी हो पीली हो, क्योंकि मेरा कलर भी पीला है, मतलब गेहूं रंग का है मेरा भी, तो स्किन टोन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है हमारे लोकेश पवार ब्लॉग को लेकर, जहाँ पे कि रिसेंट ब्लॉग में मैंने कुछ टाइम पहले वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए गए थे रात के टाइम पर एंड अचानक से जब वो कैंपिंग कर रहे थे और अपने जो टेंट थे उसके अंदर थे तो अचानक से उन्हें बाहर से काफ़ी सारी आवाज़ें सुनने को देखने को मिली। जब वो बाहर आए तो उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा पर उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कि उनके आसपास कोई चीज़ है। उसके बाद वह और उनका दोस्त सीधा अपना पूरा टेंट वेंट सामान समेट के सीधे घर की ओर निकल पड़े एंड उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उन्हें वहाँ बहुत ही ज़्यादा डर लगा था जिसके दौरान उन्हें जल्दी जल्दी घर जाना पड़ा। तो उनकी वीडियो के कुछ क्लिपे हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत आवाज आ रही है बाहर, डर भी चला, हथौड़ भी क्यों नहीं की दोनों एक साथ। देखो पूरा गाँव सुनसान हो रखा है यानी कि सभी लोग सो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है ओ पहाड़ी को लेकर, जिनकी कि आपको कुछ टाइम पे यहाँ पे शादी दिखने को मिल जाएगी एंड ओ पहाड़ी अपनी शादी का पूरा सामान यहाँ पे घर पे ला चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ SR पहाड़ी एक उनके दोस्त है वो भी उनके साथ उनके घर पे आ चुके हैं शादी में उनकी एंड वो दोनों यहाँ पे शादी का सामान लेने जा रखे थे जिसके दौरान उन्होंने काफ़ी सारी लेट हो गई थी एंड जब वो घर आए उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि उनका जो पूरा सामान है वो कितने में आया, पटाखे कितने में आई। तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा शौक हो गई सामान का नाम सुनते एंड रेट सुनते ही। तो उनकी वीडियो की कुछ क्लिप है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है ज्यादा नहीं, 6000 रुपए की आती हूँ। मेरी मम्मी देखो। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली उत्तराखंडी ब्लॉगर को लेकर, जिनके घर के आसपास काफ़ी टाइम से एक सांप घूम रहा था एंड आजकल पहाड़ों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती हैं क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा घास पसवार हो रखा है एंड घास के बीच में सांप वाँप छिपे रहते हैं एंड उनके घर के आसपास भी काफ़ी टाइम से वो सांप घूम रहा था एंड अटैक करने की सोच रहा था। तो उनकी वीडियो की कुछ क्लिपें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सांप 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 यही सांप है दोस्तों जो मेरे को रोज़ दिखाई दे रहा है, रोज
यही साहब है ओ भाई साहब। चले दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतनी ही न्यूज़, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय देवभूमि उत्तराखंड।